हेलो फ्रेंड्स, क्राफ्ट वाइब्स में आपका स्वागत है। आज हम छोटे बेबी के लिए ये नेपी रेडी करने वाले हैं, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये कपड़ा लिया है, ये आपको 12 बाय 12 इंच का लेना है। ये आप बेबी के हिसाब से छोटा बड़ा भी ले सकती हैं। देखिए, आप इसे इस तरीके से फोल्ड करके देख सकते हैं, ये एकदम इसकी मेज़रमेंट सही आनी चाहिए। उसके बाद मैंने ये दो स्ट्रिप ली है, ये आपको 1.2 और 9 इंच की लंबाई लेनी है। एक और स्ट्रिप ली है, अब ये 1.5 बाय 5 इंच की लेनी है। अब जो हमने स्ट्रिप ली थी उसको इस तरीके से फोल्ड करना है। हमने जो तीनों स्ट्रिप ली थी तीनों को ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे और स्टिच लगा लेंगे। चलिए मैं आपको रेडी करके दिखाती हूँ। ये हमारी तीनों स्ट्रिप रेडी हो गई है। अब हमने जो फैब्रिक लिया था उसको सीधी साइड रखेंगे और इस तरीके से इसे कॉर्नर पे सेट कर देंगे। दूसरी स्ट्रिप को भी दूसरे कॉर्नर पर लगाएंगे, देखिए इस तरीके से। और जो अब नीचे वाला कॉर्नर है उस पर हमने जो तीसरी स्ट्रिप ली थी वो लगाएंगे। इस तरीके से इसे फोल्ड करेंगे और अंदर की साइड रख देंगे। अब इन तीनों को स्टिच करके यहाँ से सिक्योर कर लेना है। देखिए इस तरीके से तीनों को स्टिच कर लेना है। चलिए मैं करके दिखाती हूँ। ये हमारी तीनों स्ट्रिप स्टिच हो गई है, अटैच हो गई है अच्छे से, देखिए। अब हमें इसे फोल्ड करना है ऊपर वाले एंड से, देखिए इस तरीके से। और अब इसको दोनों साइड स्टिच लगा लेंगे, देखिए इस साइड और इस साइड। यहाँ बीच में से हमें थोड़ा सा पोर्शन छोड़ देना है। ये यहाँ पर जो मैंने क्रॉस लगाया है ये इतना पोर्शन हमें छोड़ देना है और बाकी सारा स्टिच कर लेना है। क्योंकि ये हमारी बैक साइड है और ये जो हमने पार्ट खुला छोड़ा है यहाँ से हम इसको सीधा कर लेंगे। अब मैं इसको स्टिच लगा कर रेडी कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, ये स्टिच हो गया है, देखिए अच्छे से। अब इसे सीधा कर लेते हैं। ये बेबी की नेपी बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको मेरा आइडिया अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें। देखिए दोस्तों, ये हो गया है और जो हमने खुला पोर्शन छोड़ा था उसको भी स्टिच कर लेंगे। आप दोनों साइड से इसे अच्छे से स्टिच कर लें, उससे पूरी सफाई आएगी। यहाँ पर मैं अब लटकन बना रही हूँ। ये मैंने 2 बाय 2 का एक कपड़ा लिया है, देखिए इसे सीधी साइड ही आपको इस तरीके से फोल्ड करना है और इसको स्ट्रिप को मिडल में रखना है। अब इसे दोबारा फोल्ड करेंगे और एक बार यहाँ से फोल्ड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, मैं दोबारा दिखा देती हूँ। इस तरीके से स्ट्रिप को मिडल में रखा है, इसे फोल्ड किया है और यहाँ से भी फोल्ड किया है। अब नीचे की साइड हमें स्टिच लगा देना है स्ट्रेट। ये स्ट्रेट हमने स्टिच लगा दिया है और अब जो ये इसकी कॉर्नर है यहाँ से हम इसे थोड़ा सा गोलाई शेप देते हुए कट कर देंगे। और ये हमारी लटकन बनकर तैयार हो गई है, देखिए कितनी सुंदर लटकन बनकर रेडी हुई है, छोटी सी एकदम, और ये बहुत ही प्यारी लगेगी। इसी तरीके से आप दोनों साइड लटकन लगा लें, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपकी चॉइस है। आप लगाना चाहें तो इससे सुंदर लुक आता है। देखिए दोनों साइड से मैंने स्टिच लगा लिया है और ये हमारे छोटे बेबी की नेपी बनकर एकदम रेडी हो गई है। कितने सुंदर ये नेपी बनकर रेडी हुई है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें और कमेंट करें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।